कानपुर जिले के शाहपुर बाईपास पर 20 गांव को जोड़ने वाले रोड के 1 किलोमीटर के दायरे में 50 से अधिक गड्ढे हो गए हैं, जिस कारण यहां पर जलजमाव के हालात बन रहे हैं। वाहन चालक इन गड्ढों में गिरने से घायल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अफसर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से करीब 20 गांव के लोग आवाजाही करते हैं, बरसात अधिक होने पर उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। 20 गांव के लोग शाहपुर बाईपास से आवाजाही करते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर के दायरे में 50 से अधिक गड्ढे होने के कारण वाहन चालक गिरने से घायल हो रहे हैं, जिनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर गड्ढे में मोटरसाइकिल फंसने पर एक माह में करीब 10 से अधिक लोग गिरने से घायल हुए हैं। यह आंकड़ा बुरहानपुर के जिला अस्पताल से मिला है। आइए हम आप ग्रामीणों से बात करते हैं कि इन गड्ढों के कारण जल जमा होने से उन्हें क्या परेशानियां आ रही हैं। बाईपास रोड पे पानी जमा हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसा यहाँ से ये समझ के चलना है कि मिनिमम 1 किलोमीटर के दूरी पे इतने गड्ढे हैं कि इतना पानी जम रहा है यहाँ पर कि गाड़ी बाईपास किसी भी हाल में नहीं जा पा रही। छोटी गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं जा पा रही यहाँ पर, क्योंकि गड्ढे को किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये देखो, ये अभी फिलहाल में देख लो यार, ये आदमी सामने वाला गिरने वाला था यहाँ पर, ये देखो। तो आप नगर परिषद को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, हम तो हमारे वीरेंद्र तिवारी को बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ये जरा इधर आके एक बार नज़र मार दो और ये पूरे गड्ढे का जरा इंक्वायरी कर लो जरा। क्या नाम है आपका? शेख सकील।